131 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। आज हमारी ये जो बुक है इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर की है, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं खास तौर से बीए के जो बच्चे हैं, बीए जी में जो बच्चे हैं उनके लिए खास तौर से ये बुक रहने वाली है। बीएसओसी 131 आपका सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा? बीएसओसी 131 ये आपकी क्या है? ये आपकी बुक है और फर्स्ट ईयर की बुक है। और आज की हमारी क्या है, ये पहली क्लास होने जा रही है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आपका जो समाजशास्त्र है सोशियोलॉजी का पहला हमारा चैप्टर क्या देखेगा, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। इस चीज को हम क्या करें, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आने की संभावना, देखिएगा समाजशास्त्र का उद्भव ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ या उसके या समाजशास्त्र के उद्भव को बताइए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें से बनता है, अगर आप देखिएगा 1.3 में, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में सामाजिक समाज को कैसे प्रभावित किया। अगर आप देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में समाज में जो हमारे सोसाइटी में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, उसने किस प्रकार से यूरोपीय समाज को प्रभावित किया, उसके दो कारण हैं। और 1.4 में देखिएगा क्या है, समाजशास्त्र के सिद्धांत का उदय कैसे हुआ, यानी जो समाजशास्त्र का सिद्धांत है उसका उदय कैसे हुआ या किस प्रकार से हुआ। तो अगर हम बात करें ये तीन क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। बेसिक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ या समाज मानव विज्ञान का उदय कैसे हुआ, यानी जो समाजशास्त्र है जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं वह एक विषय के रूप में कैसे आ गया या उसकी शुरुआत, उद्भव मतलब उसकी शुरुआत, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका आरंभ कैसे हुआ, या आप इसको भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की ये पहली क्लास है, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को, आपको वहां पर लगातार अगली भी क्लासेस आपको जरूर मिलते रहेंगे। तो पहले देखिएगा 1.2 में क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव, यानी जो समाजशास्त्र है उसका उद्भव कैसे हुआ, यानी शुरुआत कैसे हुई, यानी समाजशास्त्र कैसे एक विषय के रूप में इसकी शुरुआत कैसे, देखिएगा समाजशास्त्र की, देखिएगा सामाजिक विज्ञान के शैक्षिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव को समझने के लिए करें कि भाई जो सामाजिक विज्ञान में जो समाजशास्त्र है, यानी जो सोशियोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको समझने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारणों को हमें समझना पड़ेगा। भाई कह रहे हैं कि जो सामाजिक समाजशास्त्र है वह सामाजिक विज्ञान में कैसे आया या समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कैसे आया है, इसको समझने के लिए हमें समाज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारणों को क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि यूरोप में, अगर हम बात करें यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा था। हम क्या करें, हम लोग बात करें भाई कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में यूरोप में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा था, यानी चेंज हो रहा था पूरे समाज में, अगर आप देखेंगे तो परिवर्तन हो रहा था, चेंज हो रहा था, यानी पूरा जो यूरोप था कह सकते हो एक प्रकार से क्रांति के दौर में जा रहा था, नए नए परिवर्तनों के दौर से गुजरा, समाज में पूरा चेंज हो रहा था। कब चेंज हो रहा था यूरोप में, कब चेंज हो रहा था, 18वीं और 19वीं शताब्दी में, क्या बोला हूँ, 18वीं और 19वीं शताब्दी में कह सकते हो कि यूरोप में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा था। इसने समाज के प्रति समझ और व्यक्ति के स्थान के प्रति प्रतिमान में परिवर्तन को अग्रसर किया, यानी कह सकते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में जो परिवर्तन हो रहा था, जो चेंज हो रहा था, इसने क्या किया, इसने जो हमारी, हम लोगों की जो सोच है समाज के प्रति और व्यक्ति के प्रति जो हमारी सोच है उसको भी इसने क्या किया, बदल करके रख दिया। क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक खोज हुई, बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें होती हैं, बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धति आती हैं, इसने क्या किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी आप लोग कह सकते हो कि 18वीं 19वीं शताब्दी में बड़ी तेजी से अगर आप देखेंगे समाज में परिवर्तन हो रहा था, और समाज में जो बदलाव हो रहा था क्यों, कैसे हो रहा था, क्योंकि नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, और इन नई नई खोजों ने, नए नए आविष्कारों ने क्या किया, हमारे पूरे समाज को और व्यक्ति की जो सोच है
उसमें लाख बदल करके रख दिया। और ये कब हो रहा था? 18वीं 19वीं, आप लोग कह सकते हो कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जब समाज में बदलाव आया, जब समाज में परिवर्तन हुआ, वहीं से हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का उद्भव, यानी कह सकते हो वहीं से हम लोग शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है गगा, आगे देखिएगा यहाँ से क्या माना जाता है कि समाजशास्त्र का उद्भव या शुरुआत हो रही थी। अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा था, प्रकृति विज्ञान अपनी आरंभिक स्थिति में था तथा भौतिक दुनिया अध्ययन के लिए व्यवस्था पद्धति का विकास हो रहा था। यानी धीरे धीरे समाज बदल रहा था 18वीं 19वीं शताब्दी में, और कह सकते हैं समाज के प्रति लोगों का नजरिया बदला। कामटे और दुर्खिम दोनों कौन है? अगर आप, मैं कामटे की बात करूं और दुर्खिम की बात करूं, तो दोनों सोशियोलॉजी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, कह सकते हो लोग कैसे समाज शास्त्री हैं। अगस्त कामटे इनका नाम है और इमाइल दुर्खिम है। तो दुर्खिम जो है, कामटे और दुर्खिम जैसे शुरुआती समाज शास्त्रियों के मस्तिष्क पर हावी होने वाला प्रश्न यह था कि मानव सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए हमें एक समान वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है। यानी कह सकते हो कि जो दो समाज शास्त्री हैं, एक का नाम है कामटे और दूसरे का नाम दुर्खिम, ये दुर्खिम और कामटे सोच रहे थे, उनके दिमाग में यही प्रश्न आ रहा था कि जो समाज है, जो मानव है, वह सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए हमें भाई एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। यानी हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी का भी अध्ययन करने के लिए, सोसाइटी यानी हमारा जो समाज है, समाज को अध्ययन करने के लिए, यानी उसको समाज को पढ़ने के लिए हमें एक नया दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। यानी हमें समाज को भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम पॉलिटिकल राजनीति को पढ़ते हैं या वैज्ञानिक, यानी समाज को भी जानने के लिए हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। कैसा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब देखने का तरीका या देखने का नजरिया। यानी कह सकते हो कि सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र में कामटे और इमाइल दुर्खिम कह सकते हो कि ये लोग सोच रहे थे कि समाज का अध्ययन करने के लिए, यानी समाज को पढ़ने के लिए हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। आगे देखेगा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगतियों ने पारंपरिक ग्रामीण कृषि वर्ग को आधुनिक शहरी और औद्योगिक समाज में परिवर्तित किया। देखो एक चीज बताऊं, जैसे जैसे अगर आप देखेंगे यूरोप में वैज्ञानिक परिवर्तन हुआ, यानी भाई मेरे जैसे जैसे नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, और वैज्ञानिक आविष्कारों ने क्या किया, पूरी तरीके से एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति हो जाती है, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग जाते हैं। भाई जब नए नए आविष्कार हुए, ठीक है, जब नए नए आविष्कार हुए और नए नए आविष्कारों से क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, और जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे तो गाँव में रहने वाला जो कृषक समाज था, गाँव में रहने वाला जो खेतिहर समाज था, कृषक समाज था, उससे हमारा जो समाज था आधुनिक शहरी समाज में बदल गया। यानी समाज में पूरी तरीके से परिवर्तन आ रहा था। जो समाज हमारा पूरी तरीके से खेती करता था, किसानी करता था, खेती करता था, अब धीरे धीरे उसमें शहरी परिवर्तन आ रहा था। यानी हमारा पूरा जो समाज है, सोसाइटी है, बदल रही थी। जो हमारा पूरा कृषक समाज था, अब वह औद्योगिक समाज में बदल रहा था, यानी उद्योग धंधों की ओर बढ़ रहा था। यानी गांव के लोग निकल निकल करके कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री को और क्या कर रहे थे, आगे बढ़ते, भाई समाज में परिवर्तन आ रहा था। देखिएगा, नए आविष्कारों के कारण उत्पादन का स्तर छोटे घरेलू उद्योगों से बड़े पैमाने पर कारखानों जैसे उद्यम में परिवर्तन, यानी कह सकते जैसे जैसे नए नए आविष्कार हुए, तो पहले हमारे यहाँ पर क्या होता, छोटे छोटे स्तर पर उत्पादन होता था या छोटे छोटे कारखाने होते थे। जब नए नए आविष्कार हुए तो नए नए आविष्कारों ने क्या किया, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे। क्या लगे भाई? बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, और पूरा जो हमारा समाज है, पूरी जो सोसाइटी, वह बदल के रख दिया। यानी अब बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए, बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई, इंडस्ट्री लग गई, यानी कंपनी। इस प्रकार के विकास के साथ ही व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिसका गहरा असर राजनीतिक क्रांतियों और पश्चिमी यूरोपीय समाज पड़ा। यानी कह सकते हो कि हमारे समाज में जो नए नए वैज्ञानिक खोजें हुई, क्या बोला, जो नई नई वैज्ञानिक खोजें हुई, वैज्ञानिक खोजों से क्या हुआ कि भाई बड़ी बड़ी कंपनी लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, यानी औद्योगिक परिवर्तन आया। और जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, जो हमारा कृषक समाज, पूरे हमारा जो सोसाइटी कृषक समाज होती थी, अब वह क्या, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो वह एक शहरीकरण होने लग गया। और इससे क्या हुआ कि हमारे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, परिवर्तन, इससे कह सकते हो कि पूरे समाज में बड़ा बड़ा असर पड़ा। यानी कह सकते हो कि एक प्रकार से जब नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, नई नई खोजें, नए नए आविष्कारों ने क्या किया, हमारा पूरा जो सोसाइटी था, हमारा जो पूरा समाज था, समाज को इसने क्या किया, बदल करके रख दिया। और कब हो रहा है? 18वीं और 19वीं शताब्दी में। 18वीं 19वीं शताब्दी में जब नई नई सोच आई,
वैज्ञानिक सोच आई, जब भैया वैज्ञानिकों ने नए 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 आविष्कार कर दिए, और वैज्ञानिकों ने जब नए नए आविष्कार किए भाई बड़ी बड़ी कंपनी लग गई, और जब बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई तो हमारा जो सोसाइटी थी भाई, जो खेती बाड़ी करते थे या क्या हुआ, अब इंडस्ट्री लग गई, तो समाज जो था वह धीरे धीरे अब बदल रहा था, यानी समाज में बदलाव आ रहा था। ठीक है, समाज शास्त्र देखिएगा, हम बात करेंगे। देखिए समाज शास्त्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो रहे बौद्धिक और भौतिक और सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में एक विशिष्ट अनुशासन का रूप होगा। यानी कह सकते 19वीं शताब्दी में जो चेंज हो रहा था, जो परिवर्तन होता, यानी समाज पूरी तरह से बौद्धिक समाज आया, यानी अब समाज में ज्ञान की बात होती थी, विज्ञान की बात होती थी, और समाज में जो ये राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, और हमारे समाज में जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन हुए, इससे कह सकते हो कि एक प्रकार से 19वीं शताब्दी में यानी समाज शास्त्र यानी सोसाइटी को देखने का या सोसाइटी को पढ़ने का एक विशेष नजरिया आया। यानी हमारे समाज को या सोसाइटी को पढ़ने का अगर आप देखेंगे तो पूरा परिवर्तन आया। ठीक है, अगर दो बड़े कारण हैं, देखिएगा समाज शास्त्र का जो उद्भव हुआ उसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है ज्ञानोदय। पहला कारण क्या है? ज्ञानोदय। आखिरी ज्ञानोदय क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यानी समाज शास्त्र का जो उद्भव हुआ उसके पीछे दो बड़े कारण हैं, एक है ज्ञानोदय और दूसरा है वैज्ञानिक क्रांतियां, या कह सकते हो आप लोग कह सकते हो औद्योगिक क्रांति, या वैज्ञानिक बोलो औद्योगिक बोलो वैज्ञानिक। देखो ज्ञानोदय का मतलब क्या होता है, एक चीज मैं बता दूं ना, जो पूरा यूरोप था ना, जहां से एक सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में समाज जो बदला है, बता दूं पूरे यूरोप में पहले ना धर्म का भैया बहुत ज्यादा बोलबाला था, धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। ज्ञानोदय का मतलब होता है ज्ञान की सदी, ज्ञान की शताब्दी, जहां पर लोगों ने कहा कि साइंस बहुत आगे है, विज्ञान बहुत आगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्ञानोदय काल। यानी समाज, हमारी जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें लोगों की सोचने की क्षमता, विचार का जो सोच विचार था, वह पूरी तरीके से बदल रहा था। पहले जो समाज धार्मिक रूप से सोचता था कि चर्चों की बात करता था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूरोप को पढ़ रहे हैं, तो भैया मेरे भाई मेरे यूरोप में पहले क्या होता था, अगर मैं आपको बता दूं, यूरोप एक प्रकार से एक बोला जाता अंधकार की सदी जी रहा था, क्योंकि यूरोप में धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। वहां पर तो ईसाई धर्म में पादरी है, तो ईसाई धर्म या पादरियों का बड़ा बोलबाला था। लेकिन धीरे धीरे क्या, यूरोप में थोड़ा सा चेंज आया, परिवर्तन आया, और वहां पर बहुत सारे ऐसे, अगर आप देखेंगे तो दार्शनिक आते हैं, जैसे आप सबने, अगर मैं कुछ लोगों का, जैसे मेंटिस्कू नाम है, रूसो नाम है, ये लोग आते हैं, और लोग बताते हैं कि विज्ञान बहुत आगे है, साइंस बहुत आगे है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्ञानोदय का, इसको प्रबोधन का काल भी बोला जाता है। अगर आप देखोगे ज्ञानोदय या तर्क का काल बौद्धिक विकास का काल था, यानी 18वीं, अगर आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में यूरोप में परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, और इसको ज्ञानोदय या तर्क का काल बोला जाता है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों का महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी पूरी तरीके से यूरोप में अब क्या रहे थे, दार्शनिक परिवर्तन आ रहे थे। अब वहां पर नए नए दार्शनिक आते हैं, नए नए फिलोसफर आते हैं, और नए नए लोग आते हैं जो बताते हैं, जो उन्होंने बता भैया कि विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया। किसको दिया? विज्ञान को, तर्क को, ज्ञान को। ज्ञानोदय मसे जो ज्ञान की सदी है, यानी जहां पर सोच है, विचार है, नई नई सोचे आई, नई नई विचार आए, विज्ञान को ज्यादा महत्व, या पहले धर्म को ज्यादा महत्व मिलता था। दिखेगा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कई मौजूदा विचार और मान्यताओं को परास्त किया गया। पहले जो सामाजिक मान्यताएं थी, पहले धार्मिक मान्यता थी, समाज में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी समाज होता था, जो धर्म का अंधा आंख बंद करके मान लेता था, धर्म में जो बोला जाता सब लोग मत। लेकिन जब ज्ञानोदय का काल आया, तब लोग तर्क करने लगे, वितर्क करने लगे। ज्ञानोदय के काल ने बता दिया कि जो इंसान है वो बहुत आगे जा सकता है। पहले लोग सोचते थे, पहले लोग मानते थे ना कि हम लोग ना बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते, मनुष्य जो है ना वो ब्रह्मांड को नहीं समझ सकता, दुनिया को नहीं जान सकता। लेकिन जब ये ज्ञानोदय का काल आया, तो ज्ञानोदय के जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, उन्होंने बोला कि विज्ञान बहुत आगे है, विज्ञान के जरिए मनुष्य क्या है, आगे जा सकता है। यानी कह सकते समाज में जो यानी समाज में जो विचार थे, जो मान्यताएं थी, वो धीरे धीरे परास्त हुई, जो गलत परंपराएं थी, ठीक है, अंधविश्वास था। इस अवधि के दौरान विचार की नई धाराओं को प्रस्तावित किया गया। फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स मेंटेस्क्यू और जैसे जीन, यानी अगर मैं बात करूं रूसो की, रूसो ज्ञानोदय से जुड़े इस दौर के प्रसिद्ध विचारक थे। यानी कह सकते मेंटेस्क्यू हो, रूसो हो, इन लोगों ने
इन लोगों ने बताया कि विज्ञान बहुत आगे है भाई। विज्ञान की जब बात होगी तभी तो नई नई खोज होंगी, तभी तो नए नए आविष्कार होंगे, तभी तो हमारा समाज बदलेगा। समाज में जो परिवर्तन आया वो था ज्ञानोदय का काल। ज्ञानोदय के काल ने पूरे समाज को बदल के रख दिया। पहले जो समाज धार्मिक रूप से सोचता था, या यूरोप की हम बातें भी यूरोप की हो रहा, तो पहले यूरोप का समाज धार्मिक रूप से सोचता था, जो चर्च है, जो पादरी हैं, इनके अंकल से इनका बोलबाला बहुत था। लेकिन जब ज्ञानोदय का काल आता है, जिसे हम ज्ञान की शताब्दी बोलते हैं, तो यहाँ से एक आग एक प्रकार से क्या हुआ, वैज्ञानिकता आई लोगों में। यानी अब लोग तर्क वितर्क करने लगे, ठीक है, यानी अब लोग वैज्ञानिक तरीके से, और कह सकते हो कि मेंटेस्क्यू हो, रूसो हो, इन लोगों ने क्या क्या विचारक थे। यहाँ सामंती यूरोप के तत्कालीन दर्शन से जुड़े अलग एक मौलिक परिवर्तन। यानी पहले जो यूरोप का समाज था सामंती समाज था, अब यूरोप का जो समाज था भैया सामंती समाज था। यूरोप के उस सामंती समाज में परिवर्तन आया। देखिएगा, सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को अपवित्र रूप में धार्मिक धर्म वैधानिक पुण्य नहीं मान। यानी पहले क्या होता था कि लोग ना जो बहुत धर्म को बहुत मानते थे। क्या मानते थे? धर्म को बहुत मानते थे, और हर चीज को पवित्र माना जाता था। क्या माना जाता था? ज्ञानोदय से पहले यूरोप में हर चीज को क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था, या धर्म धार्मिक एंगल बहुत ज्यादा था। लेकिन जब ज्ञानोदय का काल आया, तो ज्ञानोदय के काल ने क्या बदल दिया कि जिन लोगों पर धर्म का बहुत ज्यादा था, या अब लोग पुण्य नहीं माना जाता था, व्यक्ति विवेकशील और आलोचनात्मक बनता जा रहा था। यानी यूरोप का जो समाज था, यूरोप के जो लोग थे, अब उनमें क्या रहा था? अब उनमें विवेक आ रहा था, यानी सोचने समझने की जो शक्ति है। अब वो नहीं कि भाई चर्च बोल दे, पादरी बोल दे, या धर्म बोला गया उसको अंधा उसको नहीं मानते थे, बल्कि अब वह दिमाग लगाने लगे, सोचने लगे, ठीक है, आलोचनात्मक समाज बनता जा रहा था। जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग के जो पवित्र अधिकार थे, सिद्धांत को तो छोड़ दे, सब कुछ पवित्र नहीं माना जाता था। यहाँ चर्च से लेकर के राज्य, और राज्य से लेकर के शासक तक, प्राधिकरण तक, सब कुछ त्रुटि रहित नहीं माना जाता था। यानी अब लोग जो थे उनमें वैज्ञानिक सोच आ गई लोगों में, अब वह वैज्ञानिक तरह से सोचने लगे। पहले जो लोगों में धर्म का बोलबाला था, या धार्मिक रूप से मानते थे, भाई किसी चीज को पवित्र मानते थे, या राजा राजा का, या उसको एक प्रकार से मानते थे, पवित्र माना जाता था। यानी अब लोग जो थे वह विज्ञान की तरह, यानी साइंस, यानी अब उनमें सोचने समझने की शक्ति का जन्म हुआ। ज्ञानोदय के विचारकों ने बताया ना कि धर्म हमको पीछे ले जा रहा है, बल्कि विज्ञान ही कई ऐसी चीज है, साइंस ही ऐसी चीज है जो हमारे समाज को आगे कर सकती है। और जब नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, तो पूरी तरीके से समाज को इसने बदल करके रख दिया। पहले जो धर्म का बोलबाला था वो धीरे धीरे कम हुआ। इस प्रकार की विचार की जड़ें इस धारणा के रूप में थी कि प्रकृति और समाज दोनों का अध्ययन अनुभव द्वारा किया जा सकता है। पहले लोग सोचते थे ना कि जो हमारा समाज है, जो प्रकृति है, इसका जो अध्ययन स्टडी है, सिर्फ हम अनुभव के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में तर्क आया कि हमें समाज की भी जो स्टडी है हमें वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। यानी अगर हमें समाज का भी अध्ययन करना है, समाज को भी पढ़ना है, तो हमें उसको कैसे पढ़ना होगा? वैज्ञानिक तरीका लाना पड़ेगा। यानी लोगों की सोचने समझने की, यानी समाज में बड़ा भाई जो समाज धर्म को मानता था, चर्च को मानता था, पादरियों के मानता था, अब वह तर्क वितर्क करने लगा। अब किसी चीज को आंख बंद करके विश्वास नहीं करता था, पाप पुण्य को नहीं मानता था, पाप पुण्य को मानने से पहले वह विवेक लगाता था, अपना दिमाग लगाता था, अपना माइंड लगाता था। यही तो ज्ञानोदय का काल है, यही तो प्रबोधन का काल है, जिसमें रूसो हैं, या मंटेस्कू हैं, या इमानुअल कांट की बात कर सकते हैं। ये सारे जो दार्शनिक थे, सारे जो विचारक थे, इन लोगों ने आकर के पूरे समाज को सोचने समझने का नजरिया ही बदल दिया। पहले जो समाज धार्मिक रूप से सोचता था, अब वह समाज के, या सोसाइटी कह सकते हैं, पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगी, वैज्ञानिक तरीके से तर्क कुतर्क करने लगी। तो ये क्या समाज में पूरा परिवर्तन है। दूसरा जो कह सकते हैं बड़ा परिवर्तन क्या है, वैज्ञानिक क्रांति हुई। एक चीज मैं बताऊं भाई मेरे, जब समाज में तर्क वितर्क आया और विज्ञान आया, तो विज्ञान आने से क्या होगा, वैज्ञानिक क्रांति हुई। देखो यूरोप के लोगों को, यूरोप के लोग पहले कैसे थे देखिएगा, यूरोप में धर्म का खूब बोलबाला था, जैसे मैंने आपको बताया। और जब वहां पर नए नए विचारक आते हैं, वो बताते हैं कि विज्ञान बहुत आगे है और साइंस बहुत आगे है, तो विज्ञान और साइंस में होती नई नई खोजें होती हैं और नए नए आविष्कार होते हैं। और जब नई नई खोजें हुई, जब नई नए आविष्कार हुए, तो इन लोगों ने, इन चीजों ने क्या क्या लोगों का जीवन लाइफ स्टाइल बदल करके रख दिया। यानी वैज्ञानिक क्रांतियों ने भी क्या किया, समाज को बदलने में एक बड़ी भूमिका ले। एक तो प्रबोधन ने पूरी तरह से हमारे समाज सोसाइटी को बदल दिया। उसी तरीके से आप बात करेंगे तो जो वैज्ञानिक खोजें थी, जो वैज्ञानिक क्रांति
क्रांति थी इसने भी पूरी तरीके से बदल कर, देखिएगा 14वीं से 16वीं शताब्दी तक नवजागरण के काल में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति को उत्पन्न किया, जिसे व्यक्ति और प्रकृति के बारे में नए दृष्टिकोण आए। यानी कह सकते 14वीं से 16वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे नवजागरण यानी पुनर्जागरण का दौर, जिसे वैज्ञानिक क्रांति माना जाता है। नहीं, अब यहाँ पर लोग यानी नए नए अगर मैं तो जैसे कोपरनिकस है, न्यूटन है, गैलीलियो है, इन लोगों ने जब नए नए आविष्कार किए, नए नए आविष्कारों ने क्या क्या पूरी तरीके से समाज को बदल के रख दिया। यानी वैज्ञानिक क्रांतियों ने क्या क्या पूरी तरीके से लोगों को सोचने का समझने का जो तरीका था, प्रकृति को लेकर के जो नया दृष्टिकोण आया, इस क्रांति का प्रभाव ना केवल भौतिक जीवन को परिवर्तित करने में रहा बल्कि प्रकृति और समाज के बारे में लोगों द्वारा रखे जाने वाले विचार भी परिवर्तन है। यानी पहले लोग जो प्रकृति के बारे में समाज के बारे में जो सोचते थे, अब उनको सोचने समझने का तरीका ही बदल गया। कैसे बदला? जैसे जैसे वैज्ञानिक क्रांति हुई, जैसे जैसे नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, इन नई नई खोजों नए नए आविष्कारों ने कह सकते हो कि लोगों की सोचने समझने का जो तरीका था वह पूरी तरीके से बदल दिया। देखिएगा वैज्ञानिक जैसे गैलीलियो है, या अगर बात करें कपलर है, या न्यूटन है, आइजक न्यूटन है, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित समाज को विज्ञान के निर्माण करने की समाजशास्त्रियों की बड़ी इच्छा को बढ़ावा दिया। यानी कह सकते समाज में जब यानी जब जो नए नए जैसे अगर मैं न्यूटन की बात करूं, ठीक है, या गैलीलियो की बात करूं, या अगर आप कपलर की बात करेंगे, तो गैलीलियो हो, कपलर है, न्यूटन हो, इन लोगों ने जब नए 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 आविष्कार किए, नए नए खोजें हुई, इनकी नई नई खोजें से क्या कि समाज जो समाज शास्त्री थे उन्होंने भी सोचा कि हमें भी समाज की जो स्टडी है वह वैज्ञानिक तरीके से करनी पड़ेगी। यानी समाज में जब नई नई खोजें हुई, नई नई चीजें, इससे हमारा समाज जो था पूरी तरीके से बदल गया। यानी समाज के सोचने का तरीका, समाज के जानने का तरीका वो पूरी तरीके से हुआ बदल। और जो हमारे समाज शास्त्री होते थे, जो समाज की स्टडी करते थे, जो समाज को पढ़ते थे, उनको भी लगा कि हमें भी समाज को पढ़ने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। क्या? यानी समाज शास्त्रियों की बढ़ती इच्छा को बढ़ावा दिया, ठीक है। इसके अलावा डार्विन ने उद विकास सिद्धांत के जन्म सिद्धांत बाइबल के सिद्धांत के प्रति कट्टर आलोचना को जन्म दिया। यानी आप कह सकती कि धर्म के खिलाफ, धर्म को लेकर के लोग धर्म की आलोचना भी करने लगे। पहले जो लोग धर्म की आलोचना नहीं करते थे, धर्म को आंख बंद करके मान लेते थे, बाइबल और पूरा या कोई भी धार्मिक चीज उसको मान लेते थे, ठीक है। लेकिन जब नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, इन्होंने पूरी तरीके से हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसको बदल के रख दिया। देखिएगा इन सिद्धांतों ने समाज के विकास सिद्धांत की उन्नति को प्रेरित किया। यानी जो नए नए सिद्धांत आए, यानी वैज्ञानिक क्रांति जो नए नए सिद्धांत आए, इन्होंने विकास को प्रेरित किया, न केवल जैविक अपितु समाज को निरंतर निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में पनपते और विकास होते। यानी अब जो समाज था, समाज में बदलाव रहा था, और समाज कह सकते हैं निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में हमारा समाज जा रहा था। मानव शरीर का विच्छेदन जो कि पुनर्जागरण के बाद किया जाना प्रारंभ था, मानव शरीर को कार्य प्रणाली बेहतर से, यानी अब लोग कह सकते हो कि बेहतर सोचने लगे, समझने लगे, लोगों में वैज्ञानिकता आ गई, और वैज्ञानिक क्रांतियों ने कह सकते हो कि एक तो प्रबोधन काल ने और दूसरा वैज्ञानिक जो क्रांतियां थी इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से चीजों को बदल करके रख दिया। यानी लोगों को, यानी सोसाइटी, यानी हमारे समाज को ही बदल के रख दिया। अब जो समाज शास्त्री थे वो भी क्या करने लगे, अब समाज का जो अध्ययन है, जो समाज की स्टडी है, वह भी अलग तरीके से क्या, अब समाज का जो अध्ययन है, समाज की स्टडी, वह भी अलग तरीके से होने लगी। अतः वैज्ञानिक विधि का सटीक और उद्देश्यपूर्ण विधि के रूप में मानी। यानी अब समाज को पढ़ने के लिए क्या आई, वैज्ञानिक विधि। यानी हमें समाज का अगर अध्ययन करना है, सोसाइटी का अगर अध्ययन करना है, तो वैज्ञानिक तरीका आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 1.3 में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। यानी सामाजिक और आर्थिक ऐसा क्या परिवर्तन है जिसने 19वीं शताब्दी में यूरोप के समाज को बदल के रख दिया। यानी यूरोप का समाज कैसे बदल गया और समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कैसे, खास तौर से 19वीं शताब्दी में। पहला है फ्रांस की क्रांति। भाई मेरे, फ्रांस की क्रांति ने अगर आप देखोगे पूरी तरीके से यूरोप को समाज के उसने बदल के रख दिया। क्या था फ्रांस की क्रांति, ऐसी थी जिसने पूरी तरीके से यूरोपीय समाज को बदला आर्थिक रूप। देखेगा 1789 की फ्रांस की क्रांति जो थी भाई, 1789 में क्या थी, फ्रांस की क्रांति होती, और फ्रांस की क्रांति ने पूरी तरीके से यूरोप को बदला, ठीक है। और जो 1789 है भाई, ये गलत है, इन्होंने गलत लिख दिया, 89 है, ठीक है, गलत, 1798 नहीं 1789 है,
इसको ठीक कर लेना, ये करेक्शन, ये देखो इग्नू की बुक में भी बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए रही, यानी फ्रांस की क्रांति के ये वो हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से जिसको हम बोलते हैं नारे हैं, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, यानी समाज में सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, बंधुत्व एकता की बात कौन करती थी, 1789 की फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो कह सकते हो कि यूरोप के समाज को बदलने में फ्रांस की जो क्रांति थी वो निर्णायक साबित हुई, निर्णायक साबित, इसने सामंतवादी युगों को समाप्त कर दिया और समाज में एक नया दर्पण किया। यानी 1789 की फ्रांस की क्रांति ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से समाज को बदला। और फ्रांस की क्रांति के नारे क्या थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे ने पूरी तरीके से मानव संघर्ष के इतिहास को निर्णायक मोड़ने में सब। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल फ्रांसीसी समाज पर पड़ा बल्कि पूरे यूरोप में, नहीं कह सकते जो फ्रांस की क्रांति थी इसका जो प्रभाव था वो सिर्फ फ्रांस पर नहीं पड़ा बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा, नहीं पूरे यूरोप में कह सकते हो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा है, सिर्फ फ्रांस पर नहीं, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव केवल यूरोप यानी पूरे फ्रांस, सिर्फ फ्रांस पर नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय समाज पर पड़ा, यहाँ तक कि अन्य महाद्वीप सुदूर भारत पर भी फ्रांसीसी क्रांति का खूब प्रभाव पड़ा। अगर आप देखें जो फ्रांस की क्रांति है उसका प्रभाव हमारे देश पर भी खूब पड़ा, इसलिए देखा होगा स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता जैसे विचार भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक हिस्सा बन गए जिसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के कारण। ये फ्रांसीसी क्रांति ने कह सकते हैं समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को लेकर के बात करती थी, और फ्रांस की क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस को प्रभावित किया बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखें स्वतंत्रता की बात होती, समानता की बात होती, बंधुत्व की बात होती है, जो कि हमारे संविधान में भी अगर आप देखें संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में भी इनको लिखा गया। तो फ्रांस की क्रांति कह सकते हो भाई मेरे, फ्रांस की क्रांति ने पूरी तरीके से यूरोप के समाज को बदल के रख दिया। यहीं से तो सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र एक बड़ा विषय बनकर उभरेगा, ठीक है, तभी तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र सब्जेक्ट बनेगा। भाई समाजशास्त्र कैसे सब्जेक्ट, जब समाज में परिवर्तन आया, जब समाज में चेंज आया, जब समाज में प्रबोधन का काल आया, जब वैज्ञानिक क्रांतियां हुई, समाज में नए नए परिवर्तन आएंगे, फ्रांस की क्रांति ने उसको और आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है। 1789 की फ्रांस के देखिएगा 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह, कारण और तर्कवाद के युग में प्रवेश कर दिया, यानी अब फ्रांस में भी हर चीज के लिए तर्कवाद है, यानी अब लोग वहां पर तार्किक हो गए, हर चीज को तर्क वितर्क की तरह वहां पर भी सोचा जाने लगा। प्रमुख दार्शनिक विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को प्रभावित किया और फ्रांस के लोग भी क्या हो गए, तर्कवादी हो गए। अब सिर्फ ये नहीं धर्म में जो बोल दिया उसको ही सही मान ले, अब हर चीज को तर्क वितर्क करते थे, यानी उनमें वैज्ञानिक जो इस बात पे विश्वास करते थे कि सभी वास्तविक वस्तुएं कारण द्वारा साबित हो सकती हैं, इसमें से कुछ जैसे मेंटेस्क्यू हैं, ठीक है, जोन लोक हैं, ठीक है, रूसो हैं, ये क्या है, अगर ये सारी अगर आप देख रूसो हैं, ये क्या है, अगर आप देखेंगे ये एक प्रकार से प्रबोधन के विचारक हैं, प्रबोधन काल था जो ज्ञानोदय काल है उसके विचारक हैं। फ्रांसीसी समाज में ध्यान सुना, फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ इन विचारों द्वारा निर्मित उत्तेजना ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया जिसमें निरंकुश राजतंत्र का, फ्रांसीसी क्रांति से क्या था, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, फ्रांस में जो एक राजा था जो निरंकुश था, लोगों पर तानाशाह बन गया था, उसका अंत हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में क्या होता है, फ्रांस के जो राजा हैं, जार का शासन होता, जार शाही, ठीक है, फ्रांस का जो शासन था उसका अंत हो जाता है। फ्रांस में राजशाही चलती थी, राजा होते थे, उस राजशाही का अंत किसने कर दिया, फ्रांस की क्रांति ने। निरंकुश राजतंत्र का अंत कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में, निरंकुश था, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, इसने यूरोपीय समाज की राजनीतिक संरचना को बदला, उदार लोकतंत्र के आगमन होता है, यानी कह सकते हो कि राजतंत्र फ्रांसीसी क्रांति ने किया क्या, फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र का खत्म कर दिया, यानी राजा को जन्म पन्ने की परंपरा थी खत्म कर हो गई, अब वहां पर क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया, यानी डेमोक्रेसी आ गई, क्या आ गई, लोकतंत्र का आगमन की घोषणा करके सामंतवादी युग का, यानी अब वहां पर सामंती युग। और 1789 देखो यहाँ बिल्कुल सही लिखा था, स्टार्टिंग में गलत कर दिया इन्होंने, 1798 लिख दिया, और यहाँ पर देखो सही लिखा, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक क्रांतियों की लंबी श्रृंखलाओं को सूत्रपात हुआ, यानी कह सकते इग्नू की बुक में देखो कितना गलती है इन्होंने, 1789 की फ्रांस की क्रांति है और शुरू में गलत कर दिया। अब कोई बच्चा एग्जाम में लिखेगा तो गलत कर देगा तो उसी की गलती मानी जाएगी, वही बुकों में भी काफी मिस्टेक रहती है। देखिएगा
1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने क्या कर दिया, इसने भी पूरी तरह से तो कि समाज को बड़ा असर पड़ा फ्रांस की क्रांति, और फिर फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में पड़ा बल्कि भारत पर पड़ा। लोग और देखेगा फ्रांसीसी क्रांति का कुछ समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा, कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। हालांकि कई प्रारंभिक सिद्धांतकारों ने का ध्यान जिन बातों पर ने अपनी ओर आकर्षित किया वह सकारात्मक परिणाम नहीं अपितु इस तरह के कट्टरपंथी और परिवर्तन के नकारात्मक भी प्रभाव थे। फ्रांसीसी क्रांति को अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत सारा सकारात्मक भी परिवर्तन हुआ और बहुत सारा नकारात्मक परिवर्तन। लेकिन आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी तरीके से कह सकते एक प्रकार से किया क्या, उसने जो राजतंत्र था राजतंत्र को खत्म कर दिया, जो राजा बनने की परंपरा थी फ्रांस में, और उसने क्या कर दिया वहां पर लोकतंत्र ला दिया, यानी डेमोक्रेसी आ जाती है। और फ्रांसीसी क्रांति कह सकते हो कि 19वीं शताब्दी में सॉरी यह कह सकते हो आए भाई 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोपीय समाज को बदलने में जिसने क्या किया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखेगा सामाजिक व्यवस्था के दो मुद्दे में इस प्रकार से रुचि शास्त्री यानी शास्त्री समाजशास्त्री सिद्धांतकार विशेष रूप से कांटे दुर्खिम और पेंसर की प्रमुख चिंताओं में से एक थी। यानी जो जो सामाजिक अगर सोशियोलॉजी की बात करें जो सोशियोलॉजी के बड़े समाजशास्त्री हैं जैसे अगस्त कांटे हैं इमाइल दुर्खिम हैं, तो इन लोगों की विशेष चिंता थी कि समाज का जो अध्ययन है अब हमें वह दूसरे तरीके से करना पड़े। देखेगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की शुरुआती में एक विकास हुआ जिसे समाजशास्त्र के उद्भव के रूप में यानी 18वीं शताब्दी जब खत्म हो रही थी और जब 19वीं शताब्दी आ रही थी उसी समय हम लोग कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आया। क्या आया? समाजशास्त्र एक विषय के रूप में जिसका जन्म होने लग गया। ठीक है, और आगे चल करके कह सकते हो औद्योगिक क्रांति आई। क्या? औद्योगिक प्रारंभिक समाजशास्त्री औद्योगिकरण के कारण प्रारंभ होने वाले समाज में घटित हो रहे परिवर्तनों से क्षुब्ध थे। देखो जो समाजशास्त्री थे जब औद्योगिक क्रांति भाई औद्योगिक क्रांति के खिलाफ ही कह सकते समाजशास्त्र विषय आया था। क्या था? जब औद्योगिक देखो जब नई नई खोजें हुई नए नए आविष्कार हुए नई नई खोजें नए नए आविष्कारों से क्या बड़ी बड़ी कंपनी लग गई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई। जब बड़ी बड़ी कंपनी लगी जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी तो जो बहुत सारे समाजशास्त्री थे इन्होंने इसका क्या क्या एक प्रकार से विरोध किया। क्यों विरोध किया? देखिएगा क्योंकि इनको लगता था कि जो कंपनी लोग चला रहे हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं मजदूर उनमें दिन रात काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है यानी कह सकते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और वह औद्योगिक क्रांति थी जिसमें समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लाया। ग्रामीण से शहरी विशाल प्रवास के साथ ही जीवन शैली में परिवर्तन आया। शोषक वर्ग संरचना में कठोर नियम बना जिसने ऐसे विषयों को जिसने कार्ल मार्क्स को पूंजीवाद की आलोचना की जैसे सामाजिक सिद्धांतों के विकास को मौलिक प्रश्न उठाए। देखो क्या होता है कि भाई मेरे जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती है जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं तो हमारा समाज पूरी तरीके से बदल जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी में इनका बड़ा नाम है, इसको हम पढ़ेंगे भी या पूरे 3 साल आपको मिलेंगे कार्ल मार्क्स पढ़ने के लिए। तो कहने कार्ल मार्क्स क्या, कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि जो कंपनी लगी जो इंडस्ट्री लगी है जो कंपनियों के मालिक हैं कंपनियों के मालिक ज्यादा मुनाफा कमाते हैं बल्कि मजदूर उसमें उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं 8-8 घंटे वो काम करता रहता है। इससे मजदूरों और किसानों में एक प्रकार से क्या रहा संघर्ष आ रहा है। इसको लेकर के बात करते हैं यानी जब बड़ी बड़ी कंपनियां लगी जब औद्योगिकरण हुआ तब कह सकते कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उभरा क्योंकि तभी यहां से लोग समाज को लेकर के सोसाइटी को लेकर के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लिखना शुरू किया। जैसे कार्ल मार्क्स की ही बात करें तो कह सकते हो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में एक सब्जेक्ट रूप में हमें उसका एक उभार ज्यादा दिखाई पड़ता है। आरंभ तो पहले से ही हो गया था। ठीक है, देखेगा अगला हमारी क्या है औद्योगिक क्रांतियां। ठीक है, अगला हम क्या पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। देखिएगा औद्योगिक क्रांति मात्र घटना नहीं थी। क्या कह रहे हैं? औद्योगिक क्रांति मात्र कोई घटना नहीं थी अपितु अंतर संबंध विकास का एक समूह थी जिसने पश्चिम देशों में एक विशाल कृषक प्रणाली से एक दमनकारी औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन कर दिया। पहले क्या होता भाई औद्योगिक क्रांति से पहले लोग क्या करते थे? खेती करते थे, किसानी करते थे। खेती किसानी करने से करने वाला जो हमारा समाज था वो जो सोसाइटी थी वह उद्योग धंधे बड़े बड़े इंडस्ट्री लग गई बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे उसमें परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? औद्योगिक क्रांति कोई बहुत छोटी घटना ही थी, बहुत बड़ी घटना थी हमारे समाज के लिए। जब औद्योगिक क्रांति हुई जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे।
जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को इसने बदल के रख दिया। और कह सकते हो कि पहले जो कृषक प्रणाली एक दमनकारी प्रणाली थी, जो कृषक प्रणाली से कह सकते हो जो खेती किसानी लोग करते थे, अब एक दमनकारी प्रणाली है, औद्योगिक प्रणाली। लोग देखो, जितने भी सोशियोलॉजी के थिंकर हैं, सारे समाज शास्त्री मानते हैं कि जब उद्योग धंधे लगे तो उसमें मजदूरों का शोषण होता था, इस सब सभी समाज शास्त्री मानते हैं। और समाज शास्त्र में बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है, पूरी सोशियोलॉजी एक प्रकार से शोषण की बात करती है। वो कहती है कि जब उद्योग धंधे लग गए, जब बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, तो उसने क्या किया, एक प्रकार से दमनकारी था। इसमें दमन क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी कंपनी लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, उसमें लोग जाकर के काम करते हैं, उनका शोषण होता, दमन होता है, वो आठ घंटे 10-12 घंटे वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस यानी कह रहे हैं एक प्रकार से शोषणकारी। और तभी तो सोशियोलॉजी विषय के रूप में जब ज्यादा से ज्यादा लिखा जाएगा तो यही ये बड़ा। और कह सकती पहला औद्योगिक क्रांति, पता इंग्लैंड पहला ऐसा देश था जहां पर सबसे पहले उद्योग धंधे लगे। इंग्लैंड में लगभग 1760 ईस्वी में आसपास प्रारंभ हुआ। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़े परिवर्तन लाए। प्रारंभ में इंग्लैंड में यूरोप अन्य देशों में फैला। नहीं देखो, जो औद्योगिक क्रांति थी सबसे पहले इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में 1760 के आसपास खूब सारे इंडस्ट्री लगती है, कंपनियां खूब सारी लगती है, औद्योगिक क्रांति होती है। और इंग्लैंड के साथ साथ अन्य देशों में भी जो यह औद्योगिक क्रांति थी, वह धीरे 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 उस औद्योगिक क्रांति का क्या होता है, विस्तार होता है। जब बड़े बड़े इंडस्ट्री लग गई, जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लग जाते, जब बड़े बड़े इंडस्ट्री लगती, जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं, तो जो सोशियोलॉजी के थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने क्या किया, उन्होंने इसको बड़ा गंभीरता से लिया। उन्होंने बोला कि मजदूरों का या हमारे समाज का शोषण, यानी समाज का बंटवारा हो गया, समाज दो हिस्सों में हमारा बट गया है। एक तो भाई जो कंपनियों के मालिक हैं और जो मजदूर हैं, यानी समाज एक प्रकार से शोषण और दमनकारी समाज हो गया, यानी समाज में शोषण हो रहा, दमन हो रहा इन औद्योगिक क्रांतियों के कारण। तो इससे क्या करोगे, सोशियोलॉजी में एक प्रकार से कह सकते हो कि गंभीर लेखन हुआ। और समाज शास्त्र जो विषय था वो एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से ज्यादा विषय टॉपिक बनेगा, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति होगी और फ्रांस की क्रांतियां, तभी तो समाज को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लिखा जाएगा। और तभी हम लोग कह सकते हैं कि समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में यहाँ हमारे सामने आता है। देखिए औद्योगिक क्रांति, और देखिए औद्योगिक क्रांति के दौरान नए उपकरण और तकनीकी आविष्कार हुए। और देखो जब भाई जब वैज्ञानिक आए, जब वैज्ञानिक शताब्दी है, जो प्रबोधन है, जब विज्ञान की शताब्दी है, तो भाई नए नए आविष्कार हुए। नए नए आविष्कारों ने क्या किया, एक प्रकार से नए नए आविष्कारों ने क्या किया कि जो उत्पादन था, प्रोडक्शन बढ़ गया। भाई कंपनी लग गई, इंडस्ट्री लग गई और प्रोडक्शन खूब ज्यादा होने लगा। जब प्रोडक्शन यानी उत्पादन खूब ज्यादा होने लगा, इससे क्या हुआ, पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कंपनी हो गया। जेम्स द्वारा 1767 में जिमसिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसने उत्पादन विधि में तेजी लाई, यानी उत्पादन जो था तेजी से बढ़ा। ठीक है, 1769 में अगर बात करोगे तो फेम नामक एक और उपकरण का आविष्कार हुआ, जो इतना बड़ा था कि किसी व्यक्ति के घर में नहीं रखा जा सकता था। इसे लगाने के लिए विशेष इमारत की आवश्यकता पड़ती थी। अक्सर कहा जाता कि कारखाना प्रणाली की शुरुआत इससे, यानी अब कारखाना लगने लग गए, इंडस्ट्री लग गई। इसने अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सामंती प्रणाली को पूंजीवादी प्रणाली, यानी अब जो हमारा समाज था पहले क्या था, सामंतवादी था। पहले हमारा समाज कैसा था भाई, सामंती समाज था। अब वही सामंती समाज क्या हो गया, पूंजीवाद में आ गया। पहले क्या था भाई मेरे, किसान खेती करते थे और सामंत होते थे जो उनसे खेती होती करवाते, जमींदारों में टाइप के। अब क्या होगा, अब बड़ी बड़ी कंपनी लग गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, अब पूंजीवादी समाज हो गया। जिसके उपरांत पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी उभरी, जिसने उत्पादन की इस नई प्रणाली को नियंत्रित किया। यानी पूंजीपति हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, जिन्होंने कंपनी लगाई, उद्योग धंधे लगाए, अब पूंजीवादी समाज हो गया। ठीक है, इस क्रांति के कारण समाज कह सकते जब औद्योगिक क्रांति से कहा हम इस क्रांति यानी कह सकते हो कि औद्योगिक क्रांति से क्या हो भैया कि हमारा जो समाज था, समाज में जो हाथ से निर्मित वस्तुएं थी, यानी जो लोग पहले हाथ से सामान वान बनाते थे, और पुराने युग से निकल करके मशीनी युग में प्रवेश कर गया। पहले लोग क्या करते भैया, हाथ से हर चीजें बनती थी, हाथ से काम होता था, हाथ की बनी हुई चीजें खूब बिकती थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो हमारा जो समाज था वो हाथ से काम करने वाली चीजों से निकल करके वह मशीनी युग में प्रवेश कर गया। किसमें प्रवेश कर गया, मशीनी युग में बदल गया। इस बदलाव ने औद्योगिक क्रांति के उद्भव की घोषणा कर दी। यानी कह सकते अब पूरी जो सोसाइटी थी, जो पूरा समाज था, वह पूरी तरीके से क्या हो गया, बदल गया, पूरा समाज बदल गया। अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ ही
कई सामाजिक अर्थव्यवस्था हमारी बदल गई। हमारी पूरी पहले लोग खेती किसानी करते थे, अब खेती किसानी से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए। पहले लोग हाथ से सामान बनाते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनी लग गई, मशीनीकरण हो गया। तो कह सकते अर्थव्यवस्था बदली। अर्थव्यवस्था बदलने से हमारे समाज में भी कई बदलाव हुए। जैसे जैसे पूंजीवाद अधिक जटिल होता गया, जैसे बैंक आ गई, बैंक हो गई, बीमा आ गई, बीमा कंपनियां आ गई, वित्तीय निगमों का विकास हुआ। इस कारण से कह सकते औद्योगिक श्रमिक प्रबंधक और पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी उभरी। भाई पूंजीपति होने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री लग गई, बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई, मजदूरों श्रमिक भी खूब होने लग गए, ठीक है, उत्पादन खूब होने लगा। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ शहरी जनसंख्या, अब लोग क्या थे, गांव से निकल निकल के लोग क्या हुए, शहरों में आने लगे ना भाई, बड़ी बड़ी कंपनी लग गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गया। तो क्या क्या हो गया कि गांव में जो खेती करते अब निकल निकल के वो शहर में आने, और शहरी जनसंख्या खूब बढ़ी, ठीक है। आबादी बढ़ने के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी में प्रवास ने शहरीकरण को जन्म दिया। यानी अब लोग गांव से निकल निकल करके शहर में आते थे, क्योंकि शहरों में क्या था भाई, बड़ी बड़ी कंपनी थी, इंडस्ट्री थी, वहां पर काम, और शहरीकरण खूब हुआ। औद्योगिक शहर तेजी से बढ़े, यानी ऐसे शहर खूब ज्यादा बनने लगे जहां पर कंपनियां थी, इंडस्ट्री थी, औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। इन औद्योगिक शहरों को विशाल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं द्वारा, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, जब बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, और कह सकते हो कि बड़े बड़े शहर बने जहां पर इंडस्ट्री थी, और हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता आने लगी। समाज में एक प्रकार से कह सकते असमानता बन गई। एक वर्ग ऐसा समाज में आया जिसके पास खूब पैसा था, खूब धन था, कंपनियों का मालिक था। दूसरी तरफ से कह सकते भैया मजदूर थे जो क्या करते थे, या मजदूर थे, श्रमिक थे जो कंपनियों में क्या करते थे, काम करने लगे। समाज में पूरी तरीके से दो वर्ग बन गया। क्या हो गया, दो वर्ग बन गए। देखिएगा ये परिवर्तन रूढ़िवादी और कट्टरपंथी दोनों ही विचारक से संबंधित है। रूढ़िवादी इस बात से डरते थे कि ऐसी परिस्थितियां अराजकता और व्यवस्था, देखो जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पुरानी सोच के लोग थे भैया, जो पुरानी सोच के लोग थे, सोचते थे कि जब बड़ी बड़ी कंपनी लग गई, इंडस्ट्री लग गई, समाज में कुछ लोगों के पास खूब पैसा है, कुछ लोग गरीब हैं बेचारे, कंपनी में काम करते हैं, इससे का हमारे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, हमारे समाज में अराजकता फैल जाएगी, मारकाट हो जाएगी, ऐसा सोचते थे। जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो कट्टरपंथी थे, उनको श्रमिक वर्ग की क्रांति कारखानों के श्रमिकों के द्वारा प्रारंभ की जा सकती थी और सामाजिक परिवर्तन। कुछ लोग कहते हैं कि जो मजदूर है ना इकट्ठा होकर क्या करेंगे, ये लोग क्रांति कर देंगे। ताकि चिंतक एक दूसरे से भिन्न थे, फिर भी उस समय सामाजिक विचारक औद्योगिक क्रांति के संभावित प्रयासों के कारणों से काफी एकजुट थे। यानी समाज पूरी तरीके से हमारा बदल गया। जो भैया क्या कह सकता हूँ, जिस हमारे समाज में खेती होती थी, किसानी होती थी, सामंत होते थे, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी कृषि करती थी, खेती करती थी, पूरी यूरोप का समाज खेती करता था, अब वही पूरी यूरोप का समाज उद्योग धंधे लग गए, बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, और समाज में दो वर्ग हो गया। एक पूंजीपति हो गया जिस जो कंपनी लगाता था, जो खूब पैसा कमाता था, दूसरी तरफ मजदूर हो गए जो मजदूरी करते थे। और पूरे सोशियोलॉजी, पूरे समाजशास्त्र में इस विषय की खूब चर्चाएं होंगी, खूब बातें होंगी इसके, क्योंकि पूरी सोशियोलॉजी इसी पर टिकी है कि जब समाज में बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि यहीं से तो समाज में जो कह सकते हैं एक प्रकार से समाज में तनाव हो, समाज में लड़ाई झगड़े हो, या समाज में जो उद्योगपति हो, जो मजदूर हो, उनमें जो संघर्ष बढ़ा, तो समाज क्या है, एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ा। क्या बोला, समाज एक हमारा बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ा। और यहीं से कह सकते कि समाजशास्त्र का उदय हुआ, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी एक बड़े सब्जेक्ट के रूप में उभर करके सामने आया, ठीक है। आगे देखिएगा सामाजिक समाजशास्त्र के सिद्धांत का उदय कैसे हुआ, समाजशास्त्र का जो सिद्धांत कैसे उदय दिखा। जिस समय समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आकार ले रहा था, बौद्धिक चेतना और ज्ञानोदय के रूप में यूरोप में दिखे। भाई देखो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी जब एक विषय के रूप में आ रहा था, उस समय कैसे थे, ज्ञानोदय और प्रबोधन का काल है ना, ज्ञान की शताब्दी थी, लोग वैज्ञानिक सोच आई, नए नए आविष्कार हुए, नई नई खोजे हुई, बड़ी बड़ी कंपनी लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी। इसी समय कह सकते हो कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में आकार ले रही थी। यानी पूरे यूरोप में जब नई नई खोजें हो रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे, ठीक है, बौद्धिक चेतना आई, प्रबोधन काल आया, उसी समय हम लोग कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो था एक विषय के रूप में यानी एक सब्जेक्ट रूप में क्या ले रहा, वो आकार ले रहा था। यह उल्लेखनीय है कि देखिएगा यह उल्लेखनीय है कि बौद्धिक विकास और दार्शनिक विचार के कारण बदला है। जब बौद्धिक विकास हुआ
भाई जब इमानुअल कांट है, रूसो है, जब बौद्धिक विकास हुआ, जब नए नए विचारक आए, तो हमारा पूरा समाज बदला। और कह सकते हैं समाज शास्त्र के नए सिद्धांत आए। यानी पहले जो समाज धार्मिक रूप से सोचता था, ईसाइयत की ईसाई चर्च पादरी धर्म धर्म हर चीज को धर्म के एंगल से देखा जाता था, लेकिन समाज शास्त्र कब यानी सामाजिक सिद्धांत कब बदल गए, जब नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, जब नए नए दार्शनिक आए, समाज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में, समाज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में ज्ञानोदय के विचारक विचारकों तक आम राय पहुंची, जिसने समाज शास्त्र के उद्भव के मुख्य बौद्धिक प्रेरणा की भूमिका ने नहीं कह सकते। जब ज्ञानोदय का काल आया, जब नए नए विचार आए, लोग वैज्ञानिक होने लगे, उनमें तर्क वितर्क होने लगा, तो कह सकते हमारे समाज में परिवर्तन आए। और यही कह सकते कि जो समाज शास्त्र था, जो सोशियोलॉजी था, उसका उद्भव हुआ। यानी समाज के पूरी तरीके से सिद्धांत बदल गए, यानी पैरामीटर ही बदल गया। ठीक है, बदल यानी समाज शास्त्र के दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या देखेगा, पहला सिद्धांत क्या देखेगा, इतिहास का दर्शन जो इस तथ्य को मानता है कि समाज चरणों यानी ढांचों में प्रगति। बहुत सारे लोग मानते हैं ना कि हमारी जो सोसाइटी है ना, जो समाज है ना, एक यानी चरणों में प्रगति करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप समाज में परिवर्तन आता है। पहला कुछ लोग मानते हैं कि जो हमारे समाज जो सोसाइटी है ना, वो स्टेप वाइज यानी अलग अलग फेज में अलग अलग चरणों में क्या करता है, प्रगति यानी प्रोग्रेस करता है, प्रगति करता है। इन योजनाओं की उपस्थिति के कारण समाज को समझने के नियम की प्रकृति विज्ञान की तर्क पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से है। नहीं भाई, जब यानी हमारे समाज में परिवर्तन कैसे भाई, समाज में कुछ लोग कहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से समाज हमारा बदलता है, तो इसके लिए समाज को समझने के लिए कह सकते हो कि वैज्ञानिक तरीके है। समाज को कैसे समझोगे, एक वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिक चीजें हैं। दूसरा क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई समाज में सर्वे करो ना, सर्वे करो। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण की मात्रात्मक पद्धति को सामाजिक सर्वेक्षण के उपाय के रूप में माना जाने लगे, जिसे समाज में विद्यमान सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है। देखो, समाज शास्त्र में दो सिद्धांत हैं। आप समाज को कैसे पढ़ सकते हैं, समाज की स्टडी कैसे, ध्यान समाज की अध्ययन कैसे करोगे, समाज का अध्ययन भैया पहला है। पहला समाज का अध्ययन कैसे करोगे कि आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। समाज का जो अध्ययन किया जाएगा, उसके दो सिद्धांत है, समाज शास्त्र के दो सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है कि अगर आपको समाज का अध्ययन करना है, समाज की स्टडी करनी है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके करने, यानी वैज्ञानिक तरीके तौर तरीकों में जिससे आप समाज की स्टडी करेंगे। दूसरा तरीका क्या, समाज का अध्ययन अध्ययन करने के दूसरा सिद्धांत क्या है कि आप वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण करो, सर्वे करो, जो लोगों से बात करो, वो लोग क्या बताएंगे, कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे समाज में समस्याएं हैं, क्या बोला, जो हमारे हमारे समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने पूरे समाज को, सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये दो समाज शास्त्र के सिद्धांत है भाई। पहला वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो वैज्ञानिक तरीके से समाज की स्टडी करने की बात करता है। दूसरा जो तरीका, सामाजिक सर्वेक्षण, यानी आप सर्वे करो, बात करो, लोगों से जानो, यानी जो जब आप नई सर्वे करोगे, स्टडी करोगे, सर्वे करोगे, उससे पता चलेगा समाज के सोचने का, समझने का तरीका है। ये क्या है, समाज शास्त्र के दो सिद्धांत है। ठीक है, और समाज शास्त्र एक विषय के रूप में कब आकार ले रहा था, जब बौद्धिक चेतना यानी जब ज्ञानोदय का काल, जब पूरे यूरोप में एक वैज्ञानिकता की बात होती थी। ठीक है, तब कह सकते हैं कि समाज शास्त्र एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में आकार ले रहा था। देखिएगा, वास्तव में ज्ञानोदय के प्रति लुइस डी बोनाल्ड और जे एफ मैट्रिड, जो कि रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादियों ने समाज शास्त्र के विकास के लिए उतना योगदान दिया जितना उन विद्वानों ने जो ज्ञानोदय से प्रभावित थे। यानी कह सकते हैं कि रूढ़िवादी जो लोग थे, या कह सकते हैं जो ज्ञानोदय ज्ञानोदय के लोगों ने भी कह सकते भैया समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में लाने में उन्होंने भी एक बड़ा योगदान दिया। बोनाल्ड व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों ने बहुत व्याकुल थे। इन्हीं परिवर्तनों के कारण कह सकते हैं एक अत्यधिक व्यक्तिगत शहरी नगर योजना स्थापित हुई, जो पूरी तरह से इस प्रकार से सामुदायिक बंधन विहीन थे। यानी कह सकते हो कि हमारे समाज को अध्ययन करने के जो तौर तरीके आए, वो एक शहरी योजना, पहले लोग क्या थे, गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जब लोग शहरों में, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, जब बड़ी बड़ी कंपनी लगी, भाई पहले क्या थे, लोग गाँव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जब लोगों का शहरी जीवन शुरू हुआ, भाई इंडस्ट्री लग गई, कंपनी लग गई, लोग आकर के क्या रहने, शहरों में रहने लग गए। ठीक है, और शहरों में लगे तो नगर में शहरी नगर जीवन की स्थापना हुई। ठीक है,
जिस तरह समाज शास्त्र व्यक्ति की बजाय एक विश्लेषक की इकाई के रूप में समाज पर हो। देखो सोशोलॉजी में ना किसी व्यक्ति की स्टडी नहीं की जाती है, बल्कि पूरे समाज पर स्टडी की जाती है। ठीक है, जो सोशोलॉजी है वह व्यक्ति की स्टडी नहीं करती, बल्कि पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की क्या करती है, स्टडी करती है। यानी पूरी सोसाइटी की या पूरे समाज का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी पूरे समाज पर जोर देता है, अंतर संबंधित या अंतर निर्भर के रूप में समाज के विभिन्न मान्यताओं की बात करता है, समाज में परम सामंजस्य और स्थिरता पर जोर देता है। अतः कहा जा सकता है कि रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादियों द्वारा प्रभावित हो सकता है। नहीं कह सकते, जो हमारा समाज शास्त्र है वह व्यक्ति की बजाय एक विश्लेषक की इकाई के रूप में समाज पर हो। सोशियोलॉजी में अगर आप देखेंगे वह व्यक्ति पर जोर नहीं देता है, बल्कि पूरे समाज पर जोर देता है। नहीं, स्टडी करने के लिए आपको पूरे समाज पर जोर देता है। इसलिए कह सकते, कहना उचित होगा कि समाज शास्त्र का लक्ष्य रूढ़िवादी विचारों, सामंजस्य, स्थिरता, एकता से प्रभावित है। नहीं, समाज शास्त्र एक प्रकार से कह सकते कि समाज में जो रूढ़िवादिता है, जो पुरानी सोच है, जो पुराने विचार है, इनमें सामंजस्य बिठाना, इसमें एकता लाने के लिए क्या है, समाज शास्त्र है। नहीं, समाज के जो सोचने समझने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन लाना सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। जो समाज शास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, हमारे समाज में जो सोचने के तौर तरीके हैं उनमें सामंजस्य बिठाना, उनमें एकता लाना या उनमें स्थिरता लाना क्या है, समाज शास्त्र का क्या है, एक उद्देश्य है। तो पद्धति ज्ञानोदय के विचारकों से प्रभावित हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि कोई अतीत में वापस नहीं जा सकता है, परंतु समाज एक नई वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके बेहतर समाज का निर्माण किया। देखो, समाज शास्त्री यही मानते हैं कि हमें वापस नहीं जाना, समाज में अगर बदलाव चाहिए, अगर समाज आगे बढ़ेगा तो हम वैज्ञानिक सोच से आगे बढ़ सकता है, पुरानी सोच से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और समाज को समझने के लिए, समाज को प्रगति करने के लिए और समाज को एक बेहतर समाज बनने के लिए उसमें वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक पद्धति से हो सकता है। हम वापस जा करके या पीछे जा करके, हम भूतकाल में जाकर के चीजों को बेहतर नहीं कर सकते हैं। अतः ज्ञानोदय और रूढ़िवादी विचार समाज शास्त्र के विज्ञान के निर्माण के लिए संयुक्त हैं। यानी जो ज्ञानोदय के लोग हैं और जो रूढ़िवादी लोग हैं, इन दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। ज्ञानोदय यानी जो लोग साइंस की बात करते थे, विज्ञान की बात करते थे, टेक्नोलॉजी की बात करते थे, नई नई खोजों की बात करते थे। रूढ़िवादी कौन लोग हैं, जो पुरानी सोच की बात करते थे, भैया पुराना समय बहुत अच्छा था, पुराने टाइम की चीजें बहुत अच्छी थी, उसकी बात करते थे। यानी हमें दोनों चीजों के साथ चलना पड़ेगा, तभी समाज शास्त्र में हमें क्या करना है, एक प्रकार से दोनों को एक साथ रखना है, सामंजस्य बनाना, स्थिरता लानी है, एकता लानी है, ये सोशियोलॉजी में इस चीज को। इसके अलावा ये बौद्धिक हलचलें 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित सामाजिक परिवेश से अलग नहीं थी। यानी सोशियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो जब पूरे यूरोप में बड़े स्तर पर परिवर्तन आ रहा था, जब समाज बदल रहा था, जब औद्योगिक क्रांतियां हो रही थी, जब प्रबोधन का काल आया, तो इन चीजों ने क्या कहा, एक प्रकार से समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, यानी जब नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, तो इन चीजों ने प्रभावित किया कि हमें समाज का भी अगर अध्ययन करना है, यानी समाज का भी स्टडी करनी है, तो उसे भी हमें क्या करनी पड़ेगी, वैज्ञानिक तरीके से करनी। यानी जो समाज पहले खेती करता था, किसानी करता था, अब वही समाज क्या बोला, अब वही समाज हमारा जो समाज है वो क्या करने लग गया, अब वही समाज में क्या होने लग गया, बड़ी बड़ी कंपनी लग गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, बड़ी बड़े उद्योग धंधे लग गए। और जब उद्योग धंधे लगे तो हमें समाज को पढ़ने के लिए एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। जब वही समाज को पढ़ने के लिए, समाज का अध्ययन करने के लिए नए तौर तरीके आने लग गए, तभी कह सकते हैं कि समाज शास्त्र जो है उसकी शुरुआत होती है। और समाज शास्त्र कह सकते हो एक विषय के रूप में उस समय कह सकते हुए आकार ले रहा था। जब नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, जब समाज में परिवर्तन आया, समाज कह सकते हो कि तर्क वितर्क करने लगा, समाज जो पहले एक प्रकार से धार्मिक रूप से सोचता था, अब जो समाज वैज्ञानिक रूप से सोचने समझने लगा, तब कह सकते हो कि समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में या एक सब्जेक्ट रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर देखेंगे सारांश आ गया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, और ये क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी। अगला जो क्लास होगी उसमें मैं एक चीज बता दूं, मैं आपका अगला जितना चैप्टर ब्लॉक टू में कम से कम 6 से 5
पांच छह चैप्टर हैं और पांच छह चैप्टर मैं लगातार ही कल आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। कल ब्लॉक टू यानी चार से पांच चैप्टर हम लगातार, समाज शास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, समाज शास्त्र का राजनीति से क्या संबंध है, समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, ये काफी इंपॉर्टेंट। अगली जो क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने चाहिए, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में कम से कम तीन से चार क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगली क्लास एक बड़ी क्लास होगी जिसमें मैं आपको चार से पांच चैप्टर पढ़ाऊंगा और वो बड़ी क्लास रहने वाली है, उसको भी आप लोग जरूर देखेगा। अगर पूछना है तो आप मेरे से कुछ जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं। ओके,